Hello guys, this is Amitesh Dubey and I am welcoming you all in my channel Only Civil Services. So guys, let's begin. दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है लेक्चर 7 पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. जो आज का पहला एक्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले जो लेक्चर 6 है वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो मेक श्योर दैट कि पहले आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि एक लिंकअप है, एक बैकग्राउंड है जो कि आपको पिछले लेक्चर से ही आपको ये कनेक्ट करता है ना. तो ये एक कनेक्शन है पिछले लेक्चर का और इसका, तो ये कंटिन्यू सीरीज चलती जाएगी. तो पार्ट 1 पहले आप देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, मतलब लेक्चर 6, फिर आके आप लेक्चर 7 को देखना, है ना. तो ये आज का सेकंड एक्ट है जो आप कह सकते हो, है ना. कल मैंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ख़त्म कर दिया था और उसके पीछे की स्टोरी बताई थी आपको. आज का जो एक्ट है वो फर्स्ट एक्ट जो आज का होने वाला है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784. ये एक्ट मैं बता दूं आपको कि हर, मतलब कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो प्रीलिम्स होगा चाहे मेंस होगा, 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर बनेंगे. मैं आपको पिछले लेक्चर में यही चीज़ बोला था और इस लेक्चर में भी. तो कृपया करके आप इसकी शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, इसे याद कर लें, है ना. डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, आप पुराने क्वेश्चन पेपर को खोल के आप देख सकते हो ना. तो पिट्स इंडिया एक्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट जो फीचर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में. तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे कि जो हायर ऑफिशियल्स थे, है ना, जैसे ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना. तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो हायर ऑफिशियल थे, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हायर ऑफिशियल्स थे, वो उनका जो ग्रुप था वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आला अधिकारी थे जो उसको चलाते थे, है ना. तो वो पूरी तरह से सर्वोसर्वा होते थे, है ना, इस चीज़ के लिए, है ना. ये हायर लेवल के ऑफिशियल थे जिनके द्वारा ये ईस्ट इंडिया कंपनी चलाई जाती थी, है ना. तो उनकी जगह वो दोनों काम करते थे, कॉमर्शियल काम भी यही, मतलब जो COD थे ये कॉमर्शियल डिसीजन का भी यही लेते थे कंपनी का, और पॉलिटिकल डिसीजन. अब कॉमर्शियल और पॉलिटिकल डिसीजन से क्या डिफरेंस हुआ, सो मैं आपको ये बता दूँ कि जो कॉमर्शियल है फंक्शन है कंपनी का, कॉमर्शियल, और दूसरा है पॉलिटिकल, है ना. सो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल, इसमें डिफरेंस ये है कि कॉमर्शियल पर्पज़ मतलब सिर्फ व्यापार का, खरीदना बेचना, है ना, ये सब. अब पॉलिटिकल फंक्शन मतलब युद्ध करना, रिवेन्यू राइट्स गेट करना, ये सब चीज़ें आती हैं पॉलिटिकल फंक्शन में, है ना. और एक कॉमर्शियल फंक्शन में सिर्फ खरीदारी और बेचना, ये आता है कॉमर्शियल फंक्शन में. ऑलराइट, सो जो जब COD थे पहले, आपको पता होगा 1773 में, है ना, तो ये पॉलिटिकल फंक्शन भी देखते थे और कॉमर्शियल फंक्शन भी देखते थे COD. बट पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू क्या हुआ, सबसे बड़ा जो प्रोविज़न किया गया कि एक नई बॉडी बनाई गई, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, है ना. इंग्लैंड की जो रानी थी, ब्रिटिश क्राउन था, उनके द्वारा एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना. एक नई बॉडी का निर्माण किया गया जिसके द्वारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो अब क्या करेगा, पॉलिटिकल फंक्शन देखेगा कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना. और जो COD हैं वो क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल फंक्शन देखेंगे, है ना. पॉलिटिकल और कॉमर्शियल फंक्शन फर्स्ट टाइम अलग अलग कर दिया गया. मतलब पॉलिटिकल फंक्शन कौन देखेगा, BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कॉमर्शियल फंक्शन देखेंगे COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ये आपको ध्यान रखना, है ना. इसमें लिखा भी है कि द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज द कॉमर्शियल फंक्शन एक्टिविटी, है ना, वाइल द बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, है ना. तो इसीलिए इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, है ना, सिस्टम ऑफ डबल, डुअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट, इसी चीज़ को बोला जाता है. क्यों, क्योंकि एक ही, मतलब डबल डबल सरकार आपको दिख रही होगी, क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ अलग हो रहा है और कॉमर्शियल फंक्शन अलग हो रहा है. चलिए सेकेंड पॉइंट में चलते हैं. सो सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि द कंपनी टेरिटरीज, जो भी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, ये बेसिक सा इंडिया का मैप है, फॉर एग्जांपल, है ना. तो इंडिया के मैप में मान के चलते हैं ये जो सेडेड एरिया है, ये पूरा एरिया, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का अब राज हो गया है, है ना. कैसे, उन्होंने युद्ध किया, जो इंडिया के इंडिजिनस राजा थे, राजा रजवाड़े थे, उनसे लड़ाई की, और ये जो ज़मीन है वो क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई अब, है ना.
ये सब अधीन हो गए राजा रजवाड़े। तो क्या हुआ कि जो कंपनी की टेरिटरीज़ है, इस सबको टेरिटरीज बोलेंगे कंपनी की, तो ये टेरिटरीज़ को अब कंपनी की टेरिटरी नहीं बोला जाएगा, अब ये ब्रिटिश सरकार की टेरिटरी है। इट मीन्स ब्रिटिश पोजिशन इन इंडिया, है ना, कि मतलब कंपनी का अब ये नहीं है, अब ये है ब्रिटिश सरकार की, मतलब इंग्लैंड की है, इंग्लैंड का जो राजा रानी है, ब्रिटिश क्राउन है, उसका हो गया है, अब सिर्फ कंपनी का नहीं रहा ये ज़मीन है जो इंडिया की है ना। ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट कि ब्रिटिश जो पोजीशन इन इंडिया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कब कौन से एक्ट के थ्रू, जो ये कोलकाता है, कलकत्ता जिसको बोलते हैं, उसको ब्रिटिश पोजीशन की कैपिटल बनाई गई, तो ये है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये एक्ट है ना जिसके थ्रू कैपिटल बनाई गई, किसको, कोलकाता को ब्रिटिश पोजीशन की, मतलब पूरे इंडिया की कैपिटल, जहाँ जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वहाँ वहाँ अब उसकी कैपिटल क्या होगी, कहाँ से कंट्रोल होगा, जैसे अभी दिल्ली में है ना, उसी तरह सेम कोलकाता में बनाया गया था, है ना, 1784 पिट्स इंडिया के थ्रू, ठीक है। एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ देगा कि सीक्रेट कमेटी कौन से एक्ट के थ्रू आई थी, तो सीक्रेट कमेटी आई थी आपके पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये सारे प्रोविजन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के ही है ना। इस सीक्रेट कमेटी में क्या होता था कि फॉर एग्जांपल जो भी कंपनी के डिसीजन ले लिए गए, आपको मैं बता दूं कि जो बीओडी थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें 9 मेंबर्स थे टोटल, ठीक है, इसमें टोटल 9 मेंबर्स थे। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये बीओडी था इसमें 9 मेंबर नहीं थे, इसमें 6 मेंबर्स थे, ऑलराइट, 6 मेंबर थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि सीक्रेट कमेटी क्यों बनाई गई थी, फॉर एग्जांपल सीक्रेट कमेटी में टोटल 9 मेंबर्स होते थे, जिसमें से 6 के 6 पूरे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले रहते थे और 3 मेंबर्स रहते थे सीओडी, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोई भी डिसीजन को सरपास करना होता था, इसका मतलब ये है कि कोई भी डिसीजन को क्लैश करना होता था, तो अब आप बताओ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सीओडी, इन दोनों के बीच अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ डिसीजन को लेकर, तो कौन जीतेगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, बीओडी ही, बीओसी ही जीतेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही जीतेगा, क्योंकि 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर वोट करेंगे, यहाँ सिर्फ 3 ही लोग हैं, तो 3 लोग वोट करेंगे, तो कोई भी डिसीजन जो है डायरेक्टली अब कौन ले सकता है? बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा बनाया गया था। तो एक तरह से आप देख रहे हो कि सीओडी की पावर्स कम करती जा रही है, जो ब्रिटिश क्राउन है ना, एक कंपनी है जिस ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस है, तो भारत सरकार रिलायंस की पावर कम करती जा रही है, इसी तरह ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर कम करती जा रही है। लास्ट का चार्टर एक्ट था या एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसमें मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का था, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, है ना, उनमें 4 मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स की उनको एक असिस्टेंट की टीम, जिसको गवर्नर जनरल काउंसिल बोला जाता था, 4 से 3 कर दिया गया, मतलब 1 कम कर दिया गया मेंबर, ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, वो पिट्स इंडिया एक्ट खत्म हो गया, उसके पूरे पॉइंट्स आप नोट कर लो और याद कर लो, है ना। अगला जो चार्टर एक्ट है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें क्या किया गया कि जो कंपनी की मोनोपोली थी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मोनोपोली मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया के कंटेस्ट में आप समझो इस चीज़ को, है ना, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी है और रिलायंस कंपनी को नरेंद्र मोदी जी एक पूरी तरह से मोनोपोली दे देते हैं, मतलब एक राइट देते हैं जिसके थ्रू कहते हैं कि सिर्फ इंडिया से सिर्फ रिलायंस कंपनी ही ऐसी कंपनी है जो कि इंग्लैंड में जाएगी और वहाँ पे शासन करेगी, शासन नहीं करेगी, वहाँ पे जाके बिजनेस करेगी, है ना, है ना। सो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस ही जाएगी, ना तो टाटा जाएगी, है ना, ना तो दूसरी कंपनियां जाएंगी, सिर्फ रिलायंस जाएगी, है ना। तो यही तरह से, इसी तरह से मोनोपोली मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। तो इसकी मोनोपोली 20 साल के लिए और बढ़ा दी गई, कि जो ब्रिटिश सरकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी थी कितने साल के लिए, तो मतलब इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड कर सकती है, ऑलराइट, और दूसरी ब्रिटिश की कोई भी कंपनी यहाँ ट्रेड नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये राइट प्राप्त था, अधिकार प्राप्त था, है ना। अब इस एक्ट के थ्रू क्या होता है, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, बीओसी, इनकी सैलरी जो है इंडियन रिवेन्यू से आएगी।
इनको अपॉइंट कौन कर रहा है बीओसी को? ब्रिटिश सरकार। काम किसका कर रहे हैं? ब्रिटिश सरकार का। लेकिन सैलरी कहाँ से लेंगे? इंडिया वालों से लेंगे। आप देख रहे हो, मतलब एक तरह से कंपनी को एक तरह से रेगुलेट करने की ये सारी पॉलिसीज है ना, कंपनी को के मतलब एक तरह से फंदा डालने की एक तरकीबें हैं ना। जैसे नहीं रहता कुत्ते के मतलब जो है पट्टा डालते हैं, उस तरह ब्रिटिश सरकार जो है पट्टा डाल रही है धीरे धीरे करके, है ना, बेल्ट लगा रही है। ठीक है, सो ईस्ट इंडिया कंपनी हैव टू पे 5 लाख पर ईयर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और दिक्कत हो गई कि अब 5 लाख रुपए हर साल किसको देना पड़ेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे के एक्ट में चलते हैं। ये इसमें सिर्फ 3 ही प्रोविज़न है ना। अब अगला एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ना, ये एग्जाम में पूछ देगा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के प्रोविजंस को लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा मेंस में, है ना। तो ये पॉइंट्स आपको सीधे लिखने हैं ना। तो इसमें 1813 में क्या क्या प्रोविज़न थे? तो पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था वो क्या था? ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंडेड एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। मैंने बोला था कि इंडिया जो क्या बोलते हैं पूरी तरह से ट्रेड मोनोपोली थी, है ना, 20 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो आप देख रहे होंगे कि 1793 से लेके और 1813, 20 साल हो गए, अब कंपनी की मोनोपोली यहाँ पे ख़त्म हो रही है ना। तो अब क्या होता है कि देखिए, मैं इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं। नेपोलियन एक होता है, आपको पता होगा कि नेपोलियन का क्या होता है, राइज होता है, राइज ऑफ नेपोलियन होता है कहाँ पे? ये होता है फ्रांस में, है ना, कहाँ होता है? फ्रांस में। ठीक है, सो राइज ऑफ नेपोलियन होता है फ्रांस में, है ना। तो इसकी एक पॉलिसी होती है कॉन्टिनेंटल पॉलिसी, नेपोलियन की कॉन्टिनेंटल पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है, कॉन्टिनेंटल पॉलिसी में एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी लोग, जैसे ये फ्रांस है और जो भी मतलब कंट्रीज़ हैं, जो भी कंट्रीज़, अब मैं आपको बता दूं, फ्रांस और ब्रिटिश ये दोनों एक दूसरे के नेचुरल राइवल्स हैं ना। जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, दोनों की कभी नहीं पटी, इसी तरह फ्रांस और ब्रिटेन का भी है ना, कभी एक दूसरे की नहीं पटी, है ना। तो इसी तरह जो कॉन्टिनेंटल पॉलिसी ऑफ नेपोलियन में क्या था कि जो भी स्टेट फ्रांस का सपोर्ट करेंगे, जो भी कंट्रीज़ फ्रांस का सपोर्ट करेंगी, वो ब्रिटिश की कोई भी कंपनी को अपने अंदर ट्रेड नहीं करने देंगी, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे दूसरे कोई भी बिजनेसमैन हो या बिजनेस की दूसरी कंपनियां हो, उनको कोई भी इंटर नहीं करने देंगी फ्रांस से, जो भी एलाइज थी, जो भी कंट्रीज थी। ऑलराइट, सो अब इस पे क्या हुआ, जब भाई बिजनेसमैन थे, है ना, बिजनेसमैन, अब मोनोपोली आपने दे दी है ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में, और जो बाकी के बिजनेसमैन हैं वो अब फ्रांस के साथ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ भी ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बिजनेसमैन ने क्या किया कि मतलब एक तरह से इन्होंने रिवोल्ट किया कि मतलब हमको भी मतलब देना चाहिए आपको पावर, हमको भी मतलब अलाउ करना चाहिए कि हम भी इंडिया में जाके ट्रेड कर सकें, है ना, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको नहीं देना चाहिए क्योंकि हमको दिक्कत जा रही है, फ्रांस के साथ जो भी कंट्रीज़ हैं वो हमको इंटर नहीं करने देने चाह रही, तो हमारा बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो इसलिए आप क्या करो कि हमको जाने दो, है ना। तो इसलिए जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की, और सिर्फ दो चीज़ों में मोनोपोली अब रहेगी। क्या क्या? एक तो आप चाय, सिर्फ चाय का बिजनेस सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, मतलब इसके अलावा कोई भी दूसरी कंट्री चाय को हाथ नहीं लगाएगा, है ना। देखो चाय का पहले भी बहुत महत्व था, अब भी है और शायद फ्यूचर में भी रहेगा, है ना। एंड ट्रेड विथ चाइना, ये चाइनीज़ लोगों के साथ जो ट्रेड होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और दूसरी कंपनियां नहीं करेंगी, बाकी का पूरा मोनोपोली ख़त्म हो गई, बाकी की जो दूसरी कंपनीज़ हैं वो भी आके अब इंडिया में बिजनेस करेंगी, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के, दूसरी कंपनीज चाय का बिजनेस नहीं करेंगी और चाइना के साथ भी नहीं करेंगी, बाकी सब बेचेंगी यहाँ आके, है ना। ठीक है, अगला जो प्रोविज़न है उसमें है कि 1 लाख रुपए जो है कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इंडिया में एजुकेशन के प्रमोशन के लिए, है ना। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू फॉर्म में आता है डायरेक्ट, कि ये बताओ आप कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इंडिया में, है ना, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कब परमिशन मिली और कौन से एक्ट के थ्रू परमिशन मिली? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू ही इसको परमिशन मिली थी, और 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को और एक्सटेंड कर दिया गया, जैसे 1813 है ना, तो 20 साल के लिए और, मतलब 1833, 20 साल के लिए इनको और एक्सटेंड कर दिया कि चलो 20 साल तक तुम और काम कर लो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों। ठीक है,
आगे बात करते हैं 20 साल के बाद, ठीक है। 20 साल जब हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है। इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न क्या रहता है, अब और सेंट्रलाइज करने वाले हैं। आपको मैंने 6th जो लेक्चर था मेरा उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है, ये सॉरी बंगाल की, इसको सुप्रीम बना दिया गया था। जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, और ये है बॉम्बे की, है ना, और ये है मद्रास की, है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखोगे आप, ये बंगाल, ये है बंगाल, ये है बॉम्बे और ये है मद्रास। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको और ज़्यादा पावर दे दिया गया, और ज़्यादा एम्पावर कर दिया गया, और उसका प्रमोशन करके उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं है वो, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया है। मतलब वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल है अब, वो सिर्फ बंगाल का नहीं रहा। और ये जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर हैं ये वही रहेंगे, गवर्नर ही रहेंगे, है ना। एक तरह से आप सेंट्रलाइज कर रहे हो पावर को, है ना, इसको ज़्यादा पावर दे रहे हो। तो जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, तो जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, वो है विलियम बेंटिक। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज विलियम बेंटिक। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी इसको याद कर लो आप, है ना, इसको भूलना नहीं, और नोट कर लो, नोट करते जाओ, अपने नोट सबसे सही रहते हैं ना। सेकेंड पॉइंट है कि लेजिस्लेटिव पावर्स, जो भी कानून बनाने का अधिकार था किसके पास, बॉम्बे और मद्रास के पास, है ना, वो किसको दे दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। मतलब ये अब ये कानून भी नहीं बनाएंगे, अब सिर्फ ये कानून बनाएगा और इनको फॉलो करना पड़ेगा, ये गवर्नर जनरल्स को, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, आगे बात करते हैं, आगे बात हम करें तो एंड ऑफ कंपनी ट्रेड मोनोपोली। अब आपको मैंने पिछले एक्ट में क्या बताया था कि चाय के साथ मोनोपोली थी और चाइना के साथ, ट्रेड विथ चाइना के साथ, अब ये भी ख़त्म कर दी गई, बोली गई कि अब तुम्हारी मोनोपोली नहीं है, जो जो तुम करोगे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों, वो दूसरे बिजनेसमैन भी और जो दूसरी कंपनीज हैं ब्रिटिश की, वो भी करेंगी, ख़त्म बात। अब तुमको कोई भी स्पेशल प्रोविज़न नहीं दिया जाएगा, कोई भी मोनोपोली नहीं है, है ना, सब ख़त्म कर दिया जाएगा तुम्हारा, जो जो तुम करोगे, जो जो राइट्स तुमको प्राप्त हैं वो दूसरी कंपनियों को भी प्राप्त होंगे, सिंपल सी बात है ना। आगे का देखें, अगर फोर्थ पॉइंट देखें तो एक लॉ कमीशन की स्टेबलिशमेंट किया गया यहाँ पे, सेटअप ऑफ इंडियन लॉ कमीशन। अब ये क्यों किया गया, एक लॉ मेंबर आया, है ना, जो पहला लॉ मेंबर था वो था मतलब लॉर्ड कौन, लॉर्ड मैकॉले, है ना, लॉर्ड मैकॉले जो थे ये फर्स्ट चेयरपर्सन थे इस लॉ कमीशन के, है ना, इंडियन लॉ कमीशन के चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले, है ना। और ये इन्होंने ही पूरे लॉज जो है इंडिया में, अब भाई देखो इंडिया में धीरे धीरे जैसे अब शासन होने लगा ब्रिटिश का, तो भाई कानून व्यवस्था भी जरूरी है, तो कानून व्यवस्था में सारे लॉज को क्या करना है, कोडिफिकेशन करना है, कि मतलब कौन से जुर्म में कौन से पनिशमेंट दी जाएगी, है ना, कितने साल की पनिशमेंट दी जाएगी, ये सब। और ये जो लॉ मेंबर था, मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें 3 मेंबर थे, घटा के 4 से 3 कर दिया गया, लेकिन अब 3 से फिर 4 हो गए, क्योंकि ये जो फोर्थ मेंबर है लॉ कमीशन वाला, ये मैकॉले, ये भी अब गवर्नर जनरल के काउंसिल में ऐड हो गया है। अब ये जो गवर्नर जनरल हैं, है ना, अब आपको पता होगा कि ये गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं रहा, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ किस कहाँ का हो गया है, पूरे इंडिया का हो गया है। तो इसके द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे ना, तो अब उनको कानून नहीं कहा जाएगा, अब उनको एक्ट कहा जाएगा। एक्ट मतलब बड़ी सी बात हो गई, है ना, एक कानून छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन एक्ट मतलब एकदम एक तरह से ब्रह्मास्त्र टाइप का हो गया, कि मतलब सबसे बड़ी चीज़ है, इसको एक्ट कहा जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। इस एक्ट को क्या बोलते हैं, सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट एक एक्ट है, मतलब पूछ देगा कि सेंट हेलेना एक्ट किस एक्ट को कहा जाता है ना, तो आपको ध्यान रखना है, है ना। तो ये एक्ट क्यों बोला जाता है सेंट हेलेना एक्ट, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि एक कॉन्टिनेंट है साउथ अटलांटिक में सेंट हेलेना नाम का, वहाँ से भी कुछ प्रोविज़न इस एक्ट में डाले गए हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, उसको मॉडर्न हिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर आएंगे उसमें आपको ऑलरेडी मिलेगा ये सब चीज़ें, है ना, बहुत अच्छे लेक्चर आने वाले हैं, उसका आप बस 5-6 दिन और वेट कर लीजिए आप। तो ये जो सेंट हेलेना एक्ट है वो साउथ अटलांटिक में एक कॉन्टिनेंट है, मतलब एक छोटा सा टापू टाइप का है आप कह सकते हो, आइलैंड है, तो वहाँ से इस कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं, इसलिए इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। ऑलराइट, सो आज का जो है ये ख़त्म हो चुका है, है ना, टॉपिक। सो आपको थैंक यू बोल दूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शाइन,
नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये कोरोना वगैरह का मैटर ख़त्म होता है हम आपको जल्दी से जल्दी नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, है ना, आपके घर में होम डिलीवरी करवाएंगे सीधे जाके, है ना, आपके घर में पोस्ट के थ्रू आपको नोट्स सभी सब्जेक्ट्स की मिल जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, जो कि आपको UPSC और MPPSC या स्टेट उधर जो स्टेट PCS हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। हमारे चैनल को आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल एक छोटी सी कह सकता हूँ प्रयास है ना, कि जो लोग कोचिंग नहीं जा पाते, जो लोग में रहते हैं और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो वो लोग इस चैनल से जुड़े और बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको कोचिंग में डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए खर्च करने के बाद मिलती है, वो चीज़ें आपको फ्री में हम दे सकें, है ना। तो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जब भी हम वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, याद रखिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिस ग्रुप में भी आप ऐड हैं उसमें ऐड कीजिएगा, उसमें आप शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइएगा, है ना। आपके व्यूज़ और आपके सब्सक्राइबर से ही हमको मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा वीडियोस और भी इफेक्टिव तरीके से पढ़ाने का मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।